हेलो, आप सभी का फिर से स्वागत है अर्जु चैनल में। और आज एक और नए गैजेट का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, जो कि ये बॉक्स दिख रहा है आपको। क्या है इसके अंदर आपको इस बॉक्स से पता चल गया होगा। तो ये एक होम थिएटर है, टावर स्पीकर है, ये जेब्रोनिक की तरफ से है, जेब्रोनिक कंपनी का है ये। और इसका यहाँ पे मॉडल लिखा हुआ है जेब 9500 BT RUCF है, मॉन्स्टर टावर स्पीकर है ये। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं क्या क्या है। वैसे ये इसका लुक है, और यहाँ पे हाइलाइट्स वगैरह दिया हुआ है, वायरलेस ब्लूटूथ दिया हुआ है, USB SD कार्ड, FM एंड AUX ये इनपुट है इसका। और यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स वगैरह इसके दिए हुए हैं। इसमें कैरियोके माइक भी मिल जाता है, आप दो वायर्ड माइक भी लगा सकते हैं और दो इसमें आपको वायरलेस माइक भी मिल जाता है। और यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह लिखे हुए हैं, कितने कितने ओम का इसमें स्पीकर लगा हुआ है और कितने वाट का ये टावर है, वो सब लिखा हुआ है। और फ्रीक्वेंसी वगैरह लिखा हुआ है, और यहाँ पे मेमोरी साइज़ लिखा हुआ है 32 GB तक ये सपोर्ट करेगा। और भी बहुत कुछ है यहाँ पे लिखा हुआ है, 50+50 वाट, एक टावर 50 वाट का है, मतलब दोनों 100 वाट का। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कैसा है, और इसका साउंड क्वालिटी भी चेक करेंगे, साउंड क्वालिटी कैसा है। चलिए इसको ओपन करते हैं पहले। यहाँ पे ऊपर में आपको मिल जाता है एक रिमोट कंट्रोल इसका दिया हुआ है, एक रिमोट है यहाँ पे, इसमें सभी चीज़ दिया हुआ है साउंड अप डाउन का। उसके बाद यहाँ पे है कुछ पेपर्स और केबल दिया हुआ है। तो ये पेपर जो है ये यूज़र मैनुअल है इसका, यूज़र मैनुअल दिया हुआ है और कैसे इसको सेटअप करना है और कैसे इसको प्ले करना है। उसके बाद में एक और वायर मिल जाता है, ये जो सिंगल वायर है ये आपका एंटीना है, केबल है ये रेडियो के लिए। उसके बाद में ये केबल जो है ये आपके DVD वगैरह या सेटअप बॉक्स वगैरह से ऑडियो इनपुट लेने के लिए है। और ये AUX केबल है इसका, आप AUX इनपुट इससे दे सकते हैं। तो ये है, चलिए इस बॉक्स को निकालते हैं, इसको साइड में रख लेते हैं। चलिए ये सबको साइड में रखते हैं और इस बॉक्स से इस दोनों टावर को निकालते हैं। तो ये थर्माकोल लगाया हुआ है इसके सेफ्टी के लिए, और इसको निकालते हैं। जो है इसका रैपर देखिए निकालते हैं। और इस यहाँ पे एक मिड, दोनों टावर में एक मिड है और एक एक ट्विटर दिया हुआ है। और ये जो है ये आपका मेन टावर है, इसी के अंदर पूरा इसका एम्पलीफायर जो है वो लगा हुआ है, और इसमें सिर्फ स्पीकर है। और यहाँ पे आप SD कार्ड और USB दोनों आप लगा सकते हैं। और यहाँ पे इसका डिस्प्ले है और ये बटन दिया हुआ है। और इसके अंदर जो है ये दो वायरलेस माइक दिया हुआ है इसमें, तो इसको भी साइड में रखते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या है। दोनों में एक एक मिड है, एक एक ट्रेबल है, और ये 10 इंच का बेस स्पीकर लगा हुआ है दोनों में एक एक ठो। और उसके एयर पास के लिए दो यहाँ पे होल दिया हुआ है, और यहाँ पे दोनों पे जेब्रोनिक लिखा हुआ है। और ये तो इसमें सिर्फ आपका जो है स्पीकर है, और इसमें कुछ नहीं है,
और ये सादा मतलब बॉक्स है ये, और इसका वायर यहाँ पे दिया हुआ है इससे अटैच करने के लिए। और ये जो है ये आपका मेन एम्पलीफायर मतलब मेन टावर है ये, इसमें आपका एम्पलीफायर वगैरह सब चीज़ है। तो ये है, यहाँ पावर कॉर्ड दिया हुआ है और यहाँ पे ऑन ऑफ बटन दिया हुआ है, स्विच है ये। और यहाँ पे सेकेंड टावर के लिए ये यहाँ पे कनेक्शन करने के लिए दिया हुआ है। और यहाँ पे लेफ्ट और राइट का है ये ऑडियो इनपुट, आप डीवीडी हो या फिर ऑक्स इनपुट के लिए यहाँ पे केबल लगा कर आप दे सकते हैं। और ये एफएम एंटीना का वायर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और ये जो है ये 10 इंच का बेस है, दोनों में एक एक ठो 10 इंच का बेस दिया हुआ है। तो यही है। और ये साइड में आपको कुछ वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह मिल जाता है, यहाँ पे दो आप माइक लगा सकते हैं वायर्ड माइक। और ये है वॉल्यूम, वॉल्यूम कंट्रोल के लिए है ये नॉब। और ये है एक ट्रेबल के लिए है, और ये बेस के लिए है, और ये जो है इको के लिए है, और ये माइक वॉल्यूम का है। तो ये एक एक्स्ट्रा फीचर्स दिया हुआ है इसमें, बटन के साथ साथ वॉल्यूम नॉब कंट्रोल भी दिया हुआ है। तो चलिए इसको ऑन करते हैं और इसका साउंड क्वालिटी चेक करते हैं कैसा साउंड क्वालिटी है। ये ऑन हो गया है और इसका जो है वायर हम इसमें लगा देते हैं। इससे 60 आवाज़ बढ़ेगा वॉल्यूम, और बाकी आपको इसके नॉब से बढ़ाना होगा। क्या होता है बोलिए। जय बोलिए।